सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी बोरिंग के हवाले से। कराची के अंदर खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है पानी की किल्लत की वजह से, और पानी ना होने की वजह से लोग बोरिंग करवाते हैं। लेकिन यहाँ एक इलाके की बात करना चाहूँगा, रिजविया की हदूद गोलीमार और दीगर जो अतराफ के इलाके हैं वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर बोरिंग की जा रही है और साइट एरिया को पानी फरोख्त किया जा रहा है। जब इलाका मकीन बोरिंग करते थे और हैंडपम्प लगाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने वहाँ पर गैर कानूनी काम बोलकर वो हैंडपम्प लगाने नहीं दिया। अब ये बोरिंग की जा रही है और वहाँ पर लाइन्स डाली जा रही हैं। फिर ये भी ज़राए बताते हैं कि वहाँ जो बोरिंग की जा रही है उसके मकसद ये मकासद बताए जा रहे हैं कि वो साइट एरिया को पानी फरोख्त किया जा रहा है और पानी किस मद में फरोख्त किया जा रहा है, क्या मामला थे, तमाम चीजों पर बात करेंगे। इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज आतिफ अली लाइन पर मौजूद है। आतिफ, जानना चाहूंगा ये मामला बेसिकली है क्या? बिल्कुल बिलाल, आपको बताऊं कि ये रिजिया का इलाका है और रिजिया की थाने की हदूद के मुख्तलिफ एरिए जिसमें गोलीमार है, जहांगीराबाद है, उस्मानिया सोसाइटी है, यहाँ पे गैर कानूनी बोरिंग का काम इस वक्त उरूज पर पहुंच चुका है। अगर बात की जाए जहांगीराबाद की तो वहाँ नदी के करीब और साथ साथ दीगर गलियों में, और उस्मानिया की हम बात करते हैं तो उस्मानिया के घरों के अंदर जो है गैर कानूनी बोरिंग के कनेक्शन किए जा रहे थे और ये तमाम तर पानी जो है यहाँ से खींच कर जो है साइड एरिया को दिया जा रहा है, जमीन खुशक की जा रही है। ये मामला चलते रहे लेकिन इस बार जो है जो बोरिंग माफिया खुलकर सामने आया है, जिस वक्त गोलीमार में दिन दहाड़े जिस वक्त रोड खोदा जा रहा था वहां पे, तब वहां पे हमारे कुछ लोग थे जो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, उन्होंने मना किया कि ये रोड क्यों खोदा जा रहा है, तो पता लगा ये बोरिंग माफिया जो ये रोड खुदवा रही है। फिर वहां पे पुलिस पहुंची, दिन की रोशनी में तो काम को रुकवा दिया गया लेकिन जैसी ही रात हुई, रात के वक्त 6 से 8 इंच कतर की पानी की लाइनें हैं जो कि फुटेज में भी डालते हुए देखी जा सकती हैं कि इतनी मोटी मोटी लाइनें पाइप पानी की जो है वहां पे डाली जा रही हैं। और ये तमाम पानी यहां से खींच के जो इलाका मकीन है उनका कहना ये सारा पानी यहां से खींच के जो साइड एरिया और पार्क कॉलोनी को फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बाद जो इलाका मकीन जो सख्त परेशानी और अजियत के शिकार नजर आ रहे हैं। आतिफ, ये कितने अरसे से ये काम चल रहा है इस इलाके में? देखिए, अगर बिलाल इस हवाले से हम बात करें तो ये बोरिंग के जो मुख्तलिफ कनेक्शन, जैसे मैंने आपको जहांगीराबाद उस्मानिया की बात बताई, यहाँ पे तो अरसा दराज से ये सिलसिला यहाँ पे जारी है। लेकिन अगर हम गोलीमार की बात करते हैं तो गोलीमार में भी ये काम छुप छुपा के हो रहा था लेकिन इस बार बहुत खुल के ये काम किया जा रहा है। इलाका मकीन है, हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि गुज़िश्ता गर्मियों में जिस वक्त रमजान आए तो उन तमाम इलाका मकीनों ने कोशिश करी कि रोड के ऊपर एक हैंडपंप जो है बनवा दिया जाए ताकि तमाम इलाके वालों को आसानी हो जाए क्योंकि घरों में पानी नहीं आ रहा। उस मौके पे पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने कहा यह गैर कानूनी काम और इस काम को रुकवा दिया गया। लेकिन अब जबकि ये बड़ा काम हो रहा है और सबके सामने पानी की लाइनें डाली जा रही हैं, लेकिन तो पुलिस से किसी ने रापता करने की कोशिश की, इलाका मकीनों ने रिपोर्ट करने की कोशिश की पुलिस को? देखिए, इस हवाले से हमारी खुद बात हुई है SHO रिजिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो SHO रिजिया है इस वक्त इम्तियाज बांधने काबिल आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है। हमारी उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो काम हो रहा है इसको रोकना हमारा काम नहीं है, इसको या तो DMC रोके या फिर ये वाटर बोर्ड जो है इस पे जो है कोई जो अमल दरामद कराए। आपने सवाल नहीं किया कि जब हैंडपंप लगाया जा रहा था तो ये कहना गैर कानूनी है ये मामला, तो ये कहना पुलिस का काम है और इन चीजों को रोकना पुलिस का काम नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल बिलाल, इस पे मेरी बात हुई जब मैंने ये बात उनके सामने रखी, उनका कहना था कि गुज़िश्ता रमजान जब गुजरे उस वक्त चार्ज जिनके पास नहीं था, उस वक्त दूसरे SHO यहाँ पे मौजूद थे, उस वक्त ये चार्ज जिनके हाथ में नहीं था और अभी जो काम किया जा रहा है, साथ साथ उन्होंने ये बात भी वाजे तौर पे बोली या तो DMC रोके या तो वाटर बोर्ड रोके, और साथ एक बात उन्होंने बोली कि ये जो इलाके के लोग हैं इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको जो है बोरिंग माफिया ने पैसे दे के खामोश करा दिया है और जिन लोगों को जो कुछ नहीं मिला वो जो शोर मचा रहे हैं और वीडियो बना के जो है वायरल करवा रहे हैं, ये कहना SHO साहब का था। लेकिन यहाँ पे
कुछ अजीब सी बात भी लगी, लेकिन जो इलाका मकीन है उनका कहना है यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम अज्जी बताया जा रहा है। वो कल रात भी, गुज़िश्ता रात भी जो है पिस्तौल लेके वहाँ गली में खड़ा हुआ था, खुद को जो है पुलिस का जो है नुमाइंदा वो एहलकार बताता है, जो कि स्पेशल पार्टी बताता है कि मैं पुलिस के लिए काम करता हूँ, पिस्तौल लेके वहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इलाका मकीन भी खामोश रहे। चले पुलिस की नाकामी समझें या फिर गफलत समझें या फिर कानूनी पैराए में पुलिस के पास मामला नहीं आता, ये जो भी हम समझ लें इसको, बकौल पुलिस के डीएमसी यहाँ के चेयरमैन कौन है, क्या वो इन तमाम चीजों से गाफिल हैं? अब देखिए यहाँ के अगर हम चेयरमैन की बात करें, यहाँ पे एक नहीं बहुत सी यहाँ पे सियासी पार्टी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके कारकुनान मौजूद हैं, सबके सामने ये काम हो रहा है, लेकिन ताज्जुब इसी बात पे होता है कि कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इनको नहीं रोक रहा, क्या वजूहत है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही बात शहरी कहते हुए नजर आते हैं, जो इलाका मकीन है वो परेशान नजर आते हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हालांकि मैं आपको ये भी वाजे करता चलूँ कि इसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ सियासी जमात के कारकुनों की भी आ रही है कि वो भी इस काम में मुलविस हैं, जो कि ये बोरिंग की लाइनें डलवा रहे हैं, ये सब काम करवा रहे हैं, ये चीज भी हमारे सामने आई है जो कि इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है। अच्छा, वाटर बोर्ड का क्या किरदार है, उसने कोई एक्शन लिया, उसने कुछ उनसे किसी ने सुनवाई के हवाले से बात की, या फिर कोई इलाका मकीन वहां पर गए वाटर बोर्ड के ऑफिस और कुछ कंप्लेन किए इस हवाले से? देखिए वाटर बोर्ड की अगर हम बात करें तो आज से 3 से 4 माह कबल वाटर बोर्ड का हमला जरूर आया था, उसने आज से जो नदी के करीब बोरिंग के काम किया जा रहा था उसको बंद भी करवाया था, लेकिन उसके बाद ये कुछ अर्थ ही बन रहा, उसके बाद ये दोबारा काम शुरू हो गया। वाटर बोर्ड को भी कंप्लेने जाती रही इलाका मकीनों की जानिब से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई इदारा इस तरफ नहीं देख रहा, मुतालिका इदारे तमाम खामोश बैठे हैं, सियासी जमातों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि आपको बताऊं अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है आतिफ, ये जो रिपोर्ट है कि ये जो लाइंस डाली गई हैं ये पानी साइट एरिया को फरोख्त किया जा रहा है? देखिए बिलाल, इसकी मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जिस जगह से इस लाइन को लिया जा रहा है, ये गोली मार का इलाका है जो फुटेज में नजर आ रहा है, ये तमाम लाइनें यहाँ से लेके जो है जो करीब जो नजर करीब आता है खज्जी ग्राउंड के बाद शुरू हो जाता है पार्क कॉलोनी का एरिया और साइड का एरिया, ये तमाम लाइनें अंदरूनी तौर पर वहां तक बिछाई जा रही हैं, और ये इलाका मकीन इस बात की सदाकत से ये बात कह रहा है कि तमाम पानी यहाँ से खींच के साइड एरिया को जो मिले बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, उनको पानी फरोख्त किया जा रहा है, और ये पहले भी होता रहा है। अगर हम रिजिया की हदूद की बात करें, यहाँ पे जब जब बोरिंग का काम हुआ यहाँ से पानी खींच के तमाम साइड एरिया को। अच्छा, जानना चाहूंगा ये मालूम हो सका है कि ये बोरिंग करवा कौन रहा है? देखिए इसमें कोई एक शख्स मुलविस नहीं है, इसमें बहुत से मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे हैं जो कि ये बोरिंग का काम करवा रहे हैं, उन्होंने अपना कारोबार इसको बना लिया है, कारोबार कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो मजदूर काम कर रहे हैं कोई ना कोई शख्स तो इन्हें जो है वो मजदूरी दे रहा होगा, या पीछे अकब में कोई ना कोई पर्सनालिटी तो मौजूद होगी ना? देखिए बिलाल, इनके नाम जरूर हमारे सामने आए, लेकिन ये कौन लोग हैं, इनका ताल्लुक किस जमात से, ये किस किस इदारे के लिए काम कर रहे हैं, ये चीजें हमारे सामने नहीं आ रही। इन लोगों के जो नाम सामने आए इनसे बात हो सकी है कि ये क्यों कर रहे हैं काम, ये बोरिंग किस मकसद के लिए कराई जा रही है, ये तो मालूम हो ना जरा? देखिए जिस वक्त भी हम वहाँ पे पहुंचे हैं वहाँ पे ये हमसे या तो इन्होंने बात नहीं करी, वरना वहाँ से मौके से फौरी तौर पे फरार हो जाते हैं, जब इन्हें पता लगता है कि मीडिया की टीम आ रही है या मीडिया का कोई नुमाइंदा मालूमात लेने के लिए आ रहा है, ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। जो मजदूर हैं, मजदूरों ने खुद कहा कि ये पानी यहाँ से खींच के पास कॉलोनी और साइड एरिया में दिया जा रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रीज को फराम किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, तो यहाँ से ये जमीन का पानी यहाँ से खुशक करके वहाँ पे दिया जा रहा है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ये कनेक्शन चलाए जा रहे हैं ये तमाम चोरी की बिजली जो है वो जो इस्तेमाल की जा रही है, कुंडे लगा के बिजली का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ जमीन को खुशक किया जा रहा है, दूसरी तरफ बिजली चोरी की जा रही है, लेकिन मुतालिका इदारे बिल्कुल चुप साध के बैठे हुए हैं, किसी की तरफ से कोई कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है, और यही वजह है कि जो इलाका मकीन है जिनके पास घरों में पानी नहीं है वो तो परेशान है, लेकिन जो उनकी जमीन का पानी हो खेल के दूसरे इलाकों में फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन कोई इसको इस बात को जो है सुनने और देखने वाला नहीं है। मतलब आतिफ, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, एक तरफ टैंकर माफिया है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, कानूनी हाइड्रेंट्स, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, तमाम बातें की गई, अब ये बोरिंग माफिया सामने आ गया है, बोरिंग जो जमीन का पानी है वो भी खुश कर दिया जाएगा, वो भी बेचा जा रहा है टैंकर माफिया के जरिए भी पानी बेचा जा रहा है, फिर ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट पहले ही बरहम है कि पानी जखीरा किया जाता है सबसे ज्यादा सिंध के अंदर, सबसे बड़े जखायर हैं, लेकिन पानी मौजूद नहीं है, तो जो एंटी करप्शन है, जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं वो क्यों इसके ऊपर तहकीकात नहीं कर रहे, सवालिया निशान है आतिफ। बिल्कुल बिलाल, देखिए मैंने आपको कई पहले भी मैं आपके अलग प्रोग्रामों में ये बात कहता आया हूँ कि जब जब इदारे जब अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे और तवज्जो हटा लेंगे या उसके पीछे
مبینہ طور پہ اگر پیسے آ جائیں گے تو یہی معاملات دیکھنے میں آئیں گے. جب کوئی ادارہ جب انٹرسٹ نہیں لے گا یا اس کو بھی آگے نظرانے پہنچائے جا رہے ہوں گے تو یہی تمام تر کام ہونے اس میں چاہے اب یہ جرائم کے ذمرے میں آتا ہے. یہ جرم ہے کہ آپ جو غیر قانونی طور پہ بورنگ کر رہے ہو, زمین کا پانی کھینچ کے دوسرے علاقوں میں فروخت کر رہے ہو, جبکہ وہ علاقہ جس علاقے سے یہ پانی کھینچا جا رہا ہے وہ کئی کئی دنوں سے جو ہے پانی سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا. واٹر بورڈ نہ تو گھروں میں پانی فراہم کرنے کو تیار ہے, نہ وہ بورنگ کے معاملات روکنے کو تیار ہے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے یہ واٹر بورڈ کی کارکردگی پہ اور متعلقہ اداروں پہ. جب بھی یہاں پہ ایکشن لینے کی بات کی جاتی ہے, کئی دفعہ یہاں سے اگر ہم گولی مار کی بات کرتے ہیں لوگ نکلے, احتجاج بھی کیا گیا, پانی کے اوپر کیا گیا, بجلی کے اوپر کیا گیا, لیکن صرف وہ احتجاج ہی کر پاتے ہیں, اس سے کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوتا. نہ تو دیکھیں پروٹیسٹ ابھی تک نہیں کیا گیا, یہ ضرور ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فوٹیج جس طریقے سے ہمارے پاس آئیں یقیناً علاقہ مکین پریشان ہے, انہوں نے ہی بنا کے ہم تک یہ فوٹیج بھیجی کہ یہ علاقے کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے, کتنی موٹی پانی کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں, اس کو رکوایا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے جو اس خبر کو آج چلایا اور ہم نے کوشش کری جو یہ متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں, ان سے بھی وجہ جاننے کی واٹر بورڈ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کا موقف جانا کہ کیا کہتے ہیں وہ اس پر. جی دیکھیں بالکل کوشش تو کی گئی, متعدد بار فون بھی کرنے کی کوشش کری, بات کرنے کی کوشش کری, لیکن کوئی کسی نے فون ریسیو نہیں کرا, کسی سے اس حوالے سے ہماری بات نہیں ہو سکی ہے. لیکن اس چیز کا ہم اب فالو اپ بھی لیتے رہیں گے, کوشش کریں گے ہماری متعلقہ اداروں سے مزید اس پہ بات ہو سکے اور یہ ہم جان سکیں کہ کیا وجہ ایسی پڑ گئی کہ یہ کھلے عام یہ کام کیا جا رہا ہے غیر قانونی, اس کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ آگے کیوں نہیں آ رہا, اس کے پیچھے آخر وجوہات کیا ہے, اس کو جاننے کی بھی ہم جو ہے اب آئندہ اس میں جو ہے کوشش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے, تمام حقائق سامنے رکھنے کے لیے. اور دیگر علاقوں کے جو نام ہیں یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں, گولی مار ہے, جہانگیر آباد ہے, عثمانیہ سوسائٹی ہے, یہاں بورنگ کا کام جو عروج پر ہے اور جو ہائر اتھارٹیز ہیں جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کے اوپر کیوں غفلت برت رہے ہیں. پولیس نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہینڈ پمپ لگانا غیر قانونی ہے تو یہ جو 8 انچ کی لائنز لگائی جا رہی ہیں, بچھائی جا رہی ہیں اور پھر سائٹ ایریاز کو جو پانی فروخت کیا جا رہا ہے ملز کو اور دیگر فیکٹریز کو, تو کیا پولیس اس کے اوپر کاروائی نہیں کر سکتی, کیا یہ غیر قانونی ہے. دیگر معاملات یہ ہیں کہ ٹینکر مافیا کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ بیچ میں آ جاتا ہے, اب یہ بورنگ مافیا سرگرم ہو چکا ہے, بورنگ مافیا سے کیسے بچا جائے, ڈی ایم سی خاموش ہے, واٹر بورڈ اس کے اوپر خاموش ہے, پولیس خاموش ہے, تو پھر ایکشن کون لے گا, اس کے اوپر کاروائی کون کرے گا, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ. یہاں وقفہ لوں گا, اس کے بعد دیگر اسٹوڈی شامل کروں گا.